सब की खैर। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सब की खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सजनों ये जीवन बहुत थोड़ा है, किसी को नहीं पता जीवन की सांसें कब थम जाएंगी। आप आज यहाँ बैठे हो, बाबा के भजन में बैठे हो, उठ के जाओगे, घर पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे, इस बात का किसी को नहीं पता है। हम 24 घंटे घर से बाहर रहते हैं, एक पल का भरोसा नहीं है कि सांस कब थम जाए। इसलिए जितना जीवन है इस जीवन को जी लो। हाले जय जय हाले हाले। इस जीवन को जी लो और अच्छाई करके जी लो, भलाई करके जी लो। किसी दूसरे का भला कर सकते हो तो करो, किसी दूसरे के काम आ सकते हो तो आओ। ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा यदि भलाई नहीं की तो, परमार्थ नहीं किया तो। और बाबा की सेवा में आने के बाद यदि परमार्थ नहीं कर सकते तो फिर बाबा की सेवा का भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए अरे तू दे बाबा ने सौंपिया जिंदगी, अरे थोड़ी सह अरे अरे कौन तेरा तन किसकी फाटर जोड़ी से। भ्रम है आपको, ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरा बाबू है, मेरी पत्नी है, मेरे पति है। भर्म 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 कोई किसी का नहीं है, सब मतलब का नाता है। माँ पुत्र को पैदा करती है, इसलिए पैदा करती है कि कोई उसको बांझ ना कहे, जीवन में उसकी ममता शांत हो जाए। पिता जब जब पिता बनता है तो अपने मतलब के लिए पुत्र पैदा करता है कि आगे चल के ये मेरे काम आएगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा, मेरी वंश बेल चलाएगा, मेरा नाम चलाएगा। कोई किसी का भाई है तो सजनों भाई भाई का तो आज के दिन बैर है, भाई भाई का तो प्रेम रहा ही नहीं। मित्र है, मित्र तो सब सब स्वार्थ के। आज मित्रता कहां रह गई है? कृष्ण सुदामा वाली मित्रता नहीं है आजकल तो। एक दोस्त दूसरे दोस्त के घर में बैठेगा और वहीं पे गड्ढा खोद देता है, तो किस पे भरोसा करें? ऐसे में जो भरोसे के लायक है उस पे भरोसा करो। और आपके जीवन में आपको ज्योतराम जी महाराज की सेवा प्राप्त हुई है, ये आपका सौभाग्य है, इसलिए उस देवता पे भरोसा करो, वो भरोसे के लायक है। क्योंकि वो कभी भरोसा तोड़ता नहीं है, वो भरोसा जोड़ता है, आपके भरोसे को निभा के रखता है, पूरा करता है आपके भरोसे को। इसलिए भरोसा करो उस देवता के ऊपर। उठाओ दोनों हाथ अपने बाबा के दरबार में, मन से जयकारा लगाओ। सारे बोलिए निरंजननाथ गुरु भगवदास बाबा ज्योतराम जी महाराज की जय हो। ये भजन जब लिखा तो यही सोचकर लिखा है सजनों कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है भाई, अपने बाबा को अपना जीवन, अपना तन, अपना मन, अपना सब कुछ सौंप दो। हे मेरे देव, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, जब तक जिएंगे तब तक आपके चरणों में जी रहे हैं। परसों नर्सों की बात है, एक साथी था हमारा, साथी क्या था, रिश्तेदार था। और मकड़ोली फाटक से जब हम गुजरते थे तो रस्ते से जाते हुए उससे मिलते थे, वो मुझे गाली देके बातें करता था क्योंकि रिश्तेदार था, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था, उसमें गालियों में प्रेम था। 3 दिन पहले खबर सुनी, नौजवान लड़का था मात्र 28-29 साल का, और पता ही नहीं चला कब चला गया इस संसार से। खबर आई कि एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया। क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। आखिरी से रात मेरे ज्योतराम प्यारे, ये भजन भी जब बना था तो शायद इसीलिए बना था। सजनों पता नहीं है जीवन का अंत कब आ जाए, इसलिए इसी पल को जियो, यही है जो कुछ है। फ्यूचर नहीं होता, फ्यूचर तो बनाने से बनता है। यदि आज भक्ति करोगे
तो फ्यूचर आगे आने वाला चाहे आपका जीवन हो या ना हो, लेकिन आगे का फ्यूचर आपका, आगे का भविष्य आपका तय है कि आपने अच्छा कर्म किया तो कुछ अच्छा मिलेगा। इसलिए कह रहा हूं, हे रत्तू ते बाबा ने सौंपिया जिंदगी, भाई थोड़ी से किसकी खातिर जोड़ी से। उठाओ दोनों हाथ अपने बाबा के दरबार में और सब झूम के गाएंगे इस भजन को। तू दे बाबा ने सौंप या जिंदगी थोड़ी से, कौन तेरा रतन किसकी खातिर जोड़ी से। ओ दे बाबा ने सौंप या जिंदगी थोड़ी से, और कौन तेरा रतन किसकी खातिर जोड़ी से। ओ दे बाबा ने सौंप या जिंदगी थोड़ी से, और कौन तेरा रतन किसकी खातिर जोड़ी से। सब कुछ दिया है, नहीं दिया तो मिल जाएगा, लेकिन यदि उस देवता की कृपा हो जाए तो घमंड कभी मत करना, क्योंकि घमंड करने लायक ना ये काया है ना ये माया है, ना तो काया किसी की और ना ही माया किसी की है, सब ठगनी है। जो भी तू कैसे ऊपर में मुंह कर
बोलो जय बाबा की, सभी सेवक बोलो जय बाबा की, हृदय से बोलो जय बाबा की, और तालियां बजाते इस भजन का समापन करें, दोनों हाथ खड़े करके। बोलो साचे दरबार जय हो।